हे गाइस, आई एम बैक विद द न्यू एपिसोड्स ऑफ न्यूज़ ऑफ द टेक स्टफ। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे काफी सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में, वो भी जस्ट 2 मिनट्स के अंदर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग A54 5G की कुछ डिटेल्स बाहर आ चुकी हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिलने वाला है 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले विद सेंटर पंच होल फॉर द सेल्फी। एंड एक्सिनोस का मिड रेंज प्रोसेसर होगा। ट्रिपल रियर कैमरास के साथ ये हमें मिलने वाला है। एंड चार्जर बॉक्स के साथ मिलने के चांसेस काफी कम है। इंडिया लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, बट 2023 तक ये हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा। सेकेंड न्यूज है अबाउट पोको C50। एंड ये फोन हमें इसी नवंबर में देखने को मिलने वाला है। ये एक 10,000 तक का बजट फोन होने वाला है। एंड इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन अभी कंफर्म नहीं हुई है, बट ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा इसी चैनल पर। नेक्स्ट न्यूज अबाउट वीवो X90, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है 22 नवंबर को। एंड लॉन्च से पहले कुछ डिटेल सामने आ चुकी है। इसमें मिलने वाला है डायमेंसिटी 9200 प्रोसेसर, 6.78 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले होगा, 50 megapixels का मेन कैमरा होगा एंड 4800mAh बैटरी विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग फीचर्स। iQOO Neo 7S एंड iQOO Neo 7 SE की कुछ डिटेल्स भी लीक हो चुकी हैं। ये फोन हमें इंडिया में जल्दी देखने को मिलने वाले हैं अराउंड नेक्स्ट मंथ। इन दोनों फोन की कुछ फोटोज लीक हो चुकी हैं। iQOO Neo 7S थोड़ा सा बड़ा होने वाला है Neo 7 SE से। एंड बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आज की लास्ट न्यूज अबाउट ओप्पो A1 Pro 5G, जो कि फिलहाल चाइना में लॉन्च हो चुका है। एंड ये फोन हमें इंडिया में भी जल्दी देखने को मिलने वाला है। दिस फोन इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट, यानी कि 20,000 के अंदर इसकी प्राइस होने वाली है। एंड 108 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल्स की सेल्फी है, 4800mAh बैटरी विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर फीचर्स। इंडिया लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, बट ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा इसी चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड एंड हिट द लाइक बटन। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जस्ट क्लिक ऑन सब्सक्राइब।